हमेशा युद्धक नीति अपनाकर एक दूसरे पर बंदूकों से हमला करते हैं और युद्धों में घायल लोगों को बंदी बनाकर अपने घायल कार्यकर्ताओं को पीठ पर उठाकर भागने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक और जहां इस पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं बजरंग दल का कहना है कि इस तरह का प्रशिक्षण युवाओं को बौद्धिक विकास और स्वस्थ रहकर समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, जिस वजह से हर साल ट्रेनिंग कराया जा रहा है। वार्षिक कार्यक्रम है जहां अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से पुष्ट करके समाज के काम में लगा सके, इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम ये 7 दिवसीय आज पूर्ण हुआ है। ऐसा कार्यक्रम देश भर में प्रत्येक प्रांतों में अलग अलग स्थानों पर होता है, उस प्रांत का एक हिस्सा कार्यक्रम ही है। ये हम अपने युवाओं को चाहते हैं कि अपने युवा वैचारिक रूप से पुष्ट हों और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। जिस प्रकार की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए सशक्त युवा होना चाहिए, उस प्रकार का उनका वैचारिक से शारीरिक रूप से पुष्ट युवाओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य है।